देखो बेटा, हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम रोटेशन चैप्टर से ली गई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी यूनिफॉर्म सिलेंडर लेंथ एल और रेडियस आर का उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आई बोल रहा है। पहले ये समझ के देखो कि ये सिलेंडर है अगर, तो इसका एक्सिस पे इनर्शिया आप लोगों से नहीं पूछा है। जो अपन लोग हमेशा लिखते आए हैं इनर्शिया को, इस एक्सिस पर 1/2 mr² स्क्वायर है ना, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पूछा है, और जिस पर मास का वेरिएशन लेंथ के हिसाब से बदलेगा, और यहां पर आपके पास आर का एक टर्म होगा। ये जो इनर्शिया है, इस पे दो कंपोनेंट्स आते हैं जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट लेंथ की वजह से आएगा, तो आप लिखोगे 1/12, इट शुड बी ml², और एक हो जाएगा इस पर्टिकुलर डिस्क के डायमेट्रिक रीजन पे। जब पढ़ोगे ना, इधर एक डिस्क बन जाएगी और इसको अपन लोग स्टडी करेंगे, तो हो जाएगा 1/4 mr². ध्यान रखना बच्चों, इसमें ये चीज नहीं लगनी है, ये फॉर्मूला लगना है। अब कह रहा है अपन को कि l/r का क्या रेशियो हो कि इसका इनर्शिया मिनिमम आ जाए। इसका मतलब है डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए मैथ्स में, है ना। तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो दिमाग जाएगा कि di/dl को अपन जीरो कर ले, और या आप लोग सोचोगे कि di/dr को अपन जीरो कर ले। फिर डायग्राम में देखोगे तो इस इनर्शिया के बारे में बताया गया है, ये सीधा सीधा लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कराएगा। दैट मीन्स इससे फर्क पड़ना है, इससे नहीं पड़ना है, ठीक है। इसको आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ 1/12, it is ml square, और ये हो जाएगा +1/4 mr², ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। लेंथ है और यहां पे भी लेंथ का फंक्शन है, तो आंसर मिल जाएगा बच्चों ml/6+, राइट। और यहां पे मैं बोलता हूं 1/4 और m को कॉमन ले लो, और रेडियस को सॉल्व करना है, ठीक है, आर स्क्वायर के टर्म को। तो वॉल्यूम किसी भी सिलेंडर का ये हो जाएगा π r² l, राइट। यहां से इसका टर्म निकाल के देखो, ये क्या हो जाएगा v/π l का टर्म आएगा, तो उसको डिफरेंशिएशन में डाल देते हैं, ठीक है, 1/l के टर्म में, इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसको लिख लो फिर से, ml/6, हमें दिख रहा है यहां से कि ये हो जाएगा, एक m का टर्म होगा, v का टर्म होगा, ÷4π का टर्म होगा, और 1/l, दैट विल बी -1/l² इक्वल्स टू जीरो। इस टर्म को इधर ले आओगे तो क्या दिखेगा बच्चों, ये हो जाएगा ml/6 इज इक्वल्स टू m/4 v/π, और यहां आ रहा है मेरे पास 1/l², मास से मास कैंसिल कर दो, ये l लिखा हुआ, ठीक है। अगेन v की जगह पे अपन को π r² l रखना है, तो लास्ट जो अपने आंसर्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहां लिखा हुआ है l/6 इज इक्वल्स टू, ये 1/4 का एक टर्म है, और वॉल्यूम की जगह पे मैं लिखूंगा अब π r² l/π l² पाए से पाए कैंसिल कर लेते हैं, और यहां पे लेंथ के टर्म भी कट जाएंगे। ये l² / r² का टर्म बच्चों क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, और आपका आंसर हो जाएगा l/r शुड बी √3/2, ठीक है। और यहां से मैं लिख सकता हूं 3/2 आपका जो रेशियो है l/r के टर्म में। ज्यादा नहीं ध्यान रखना है, बस इस चीज का ध्यान देना कि डिफरेंशिएशन आपको लेंथ के टर्म में करना है, तो यहां तक पहुंच जाओगे बड़े आसानी से, और ये जनरल फॉर्मूला है, ये अपन को याद होता है, ओके। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।